हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं सोया चाप। देखिए, मार्केट में मुझे ऐसे ही मिली है सोया चाप, और ये इसमें कलर भी मिलती है, ऑरेंज कलर भी आता है। ये मेरे पास ऐसी है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्टिक होती है इसमें, इस स्टिक को हम निकाल देंगे हाथ से। निकल गया, और इसको हम ऐसे पीसीस में कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इस सोया चाप को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के साथ जो हमें मसाले यूज़ होंगे हमारे, वो ये हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हंकड़, ये मेरे पास हंकड़ है 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है हमारा गरम मसाला, मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और ये है जीरा पाउडर, और ये है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ये देखिए, सारे मसाले मैंने इसके अंदर ये मिक्स कर लिए। अभी ये हम ये सोया चाप के जो हमने कट करके रखे हैं, ये इसको डालेंगे। जो स्टिक मैंने आपको सोया चाप की दिखाई थी, वैसी ही मैंने 4 स्टिक्स ली है। ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब इसको हम 20 से 25 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए, और इसके ऊपर क्लिंग रैप करेंगे। ये हमने मैरिनेट करके रखा था 20 मिनट्स के लिए, अब हम इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारे मसाले सब अच्छे से पक जाए। इसको हमें लो फ्लेम पर रखना है, लो फ्लेम पर करके ही हमें इसको पकाना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, और इसको ढक कर पकने देंगे। मैरिनेटी सोया चाप को फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। उसमें एक प्याज लिया मैंने, और सोफ्ड काजू है, 5 काजू 5 बादाम सोफ्ड है, इनका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम मसाले लेंगे। ये देखिए, 1 टीस्पून 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जीरा पाउडर है, इलायची पाउडर है, ये दोनों 1/4 टीस्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून मेरे पास बटर है, और 1/4 टीस्पून ऑयल है। जो डायरेक्ट अगर हम बटर डालेंगे तो वो हमारा जल जाता है, पहले हम ऑयल डालेंगे फिर बटर डालेंगे। और 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और 1/2 कप मेरे पास टमाटो पेस्ट है, ये मेरा होममेड टमाटो पेस्ट है। अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले 1/4 टीस्पून ऑयल डालेंगे, और 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे। सिर्फ मेल्ट होने देना है, ज़्यादा उसको नहीं करना। अभी इसमें हम प्याज, कैश्यू नट और आमंड का पेस्ट ये डालते हैं। इसको अच्छे से हमको पकाना है
मसाला हमारा, ये जो प्याज है हमारी कच्ची, इसकी स्मेल इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, अच्छे से पकाना है इसे। अभी इसी में हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से पकाएंगे। और ये पेस्ट हमारा पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट, होम मेड टमाटो पेस्ट अपना, और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी पक चुकी है, अच्छे से अच्छा कलर आ गया इसमें। और ये हमारी चाप भी फ्राई हो गई थी बहुत अच्छे से, अब इसको हम इसमें मिक्स करते हैं। बस थोड़ी सी 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं। अब हमारी सोया चाप एकदम रेडी है खाने के लिए। आप चाहे नान के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगती है।